हिम सुरक्षा योजना की नींव आशा वर्कर हैं। इस योजना की सफलता और विफलता आशा कार्यकर्ताओं पर ही टिकी है, लेकिन सभी आशा वर्कर निराशा से घिरी नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि प्रदेश सरकार उनका शोषण कर रही है। उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर घर घर बेचा जा रहा है, ताकि वे प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करें। इस हिम सुरक्षा योजना का आगाज हिमाचल में हो चुका है। सोलन में पिछले कल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किया है, लेकिन आशा वर्करों ने इस योजना के आरंभ होते ही अपनी मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस योजना को भी पहले की योजनाओं की तरह सफल बनाना चाहती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों की और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते आशा कार्यकर्ता बेहद रोष में हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर कहा कि वे सरकार द्वारा दिए गए हर कार्य को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोविड के इस संकट काल में महज दस्ताने और सैनिटाइजर देकर उन्हें घर घर भेजा जा रहा है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि वे भी इंसान है और उनका भी परिवार है। अगर वे खुद और उनका परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो वे दूसरों को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए वे मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार उनके लिए सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रतिदिन उन्हें कुछ पैसे देकर जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से आशा वर्करों में भय का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें स्थायी पद दिया जाए और उन्हें जैसे पहले 2000 रुपए मिलते थे, वे भी बहाल किए जाएं। मेरा नाम मंजू है, मैं हेल्थ सब सेंटर प्रोडक्ट से हूँ, और हमारा जो ये अभियान चल रहा है हिम सुरक्षा अभियान, हम करने को मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ ये दिया गया है ग्लव्स और ये सैनिटाइजर, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम परिवार वाले हैं, हम भी घर में जाके अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं। अगर हमारी ही रक्षा नहीं होगी तो हम देश की क्या रक्षा कर पाएंगे। हम काम करने के लिए मना नहीं करते। हमारी जितनी भी कटौती हुई उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारी JSY की जितनी भी कटौती हुई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम ये आशा वर्कर सारी यही सोच के काम करती हैं कि शायद हमारी कोई सुनवाई करेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार से मेरी यही निवेदन रहेगा कि वो हमारी तरफ ध्यान दे, ताकि हम भी अपनी जो आगे स्वास्थ्य का सारे जो काम कर रहे हैं उस पर हम भी अच्छी तरह से ध्यान दें। वर्कर्स जो है, क्या उनका भी स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है पहले, उसके बाद उनको ड्यूटी पे तैनात किया जा रहा है, या डायरेक्टली? जी नहीं, सिर्फ डायरेक्टली हमारे को आगे भेजा जा रहा है। जैसे भी कोई अभियान निकलता है, आशा वर्कर को बोल देते हैं इस तरह से आपने ये काम करना है। अभी हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप सहमत है सरकार के इस निर्णय? जी नहीं, हम सहमत नहीं है। हम काम करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं जिला अध्यक्ष सोलन की अध्यक्षा हूँ, और आज हमने सैजल जी को अपना मांग पत्र दिया है, जिसमें आज सैजल जी यहाँ पर हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करने आए हुए थे, जिसमें हमने उन्हें बताया है कि जिस तरह से अब हम घर घर जाके सर्वे करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें क्या है, 1500 रुपये में हमारा घर नहीं चल रहा है। हम काम करने से मना नहीं कर रहे, पर हमें पूरा इसका मानदेय मिलना चाहिए। हम लोगों की मांग है कि हमारे को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और साथ में ही जो योग्यता के अनुसार आशा है उनको ANM का पद दिया जाए। सुरक्षा किट में अभी हमें ग्लव्स, चौक, सैनिटाइजर और मास्क मिले सर, काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि कोरोना कितना बढ़ चुका हो सर। मेरा जो क्षेत्र